दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। जो कुछ भी हुआ वो हमारे घर के अंदर की बात है और अल्लाह नोज बेस्ट दादी। I'm sorry. मेरी वजह से आप लोगों का इतना इतना नुकसान हो गया थी, सब सब सामान टूट गया, सब मेरी गलती है। मेरी गलती? जी वो रात को इतना अंधेरा था कि मैं आई तो वो चेयर मुझे दिखी नहीं। दिन में अगर वो पड़ी होती ना तो मैं मेरे डोले उसको संभाल लेते, लेकिन वो रात को मुझे दिखी नहीं और मैं आउटगोइंग कॉल की तरह सीधा बाहर गिर गई धर्म। वो रात को वहीं पे थी, पता नहीं शायद। इन दोनों यार मुझे नहीं पता वो। तुझसे अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। जीती रहे मेरी बच्ची। रोशनी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इस घर की बहू बनने का हक सिर्फ और सिर्फ अदा को है। लेकिन पूरा शहर तो बातें कर रहा है कि अमन ने रोशनी से निकाह किया। आपने जो कुछ भी सुना है उसे भूल जाइए। अमन मेरा बेटा है और मैं आपसे वादा करती हूँ, अमन अदा को वापस लाने आपके घर बहुत जल्द आएगा। बेटा उन्होंने कहा है कि अमन तुझे बहुत जल्द वापस ले जाने के लिए आएगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आपने ये मेडिसिन्स यहाँ पानी भी भर दिया है, आपने आपका ग्लास भी रख दिया है यहाँ पे, कुछ चाहिए होगा तो बताइए मुझे। आपने
आपने दादी से झूठ क्यों बोला? अल्लाह नोज बेस्ट, जो बोला था बोल दिया। पर आप फ्री में नहीं बचोगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे 51 लाख रुपए दिए हैं समीर ने रोशनी से शादी करने के लिए। मेरा चेक कहाँ है? निकाह के बाद मिल जाएगा। क्या कीमत चाहिए आपको? 3 चीजें। नंबर 1, आपको कान पकड़ के मेरे को सॉरी बोलना होगा। नंबर 2, आप बोलोगे कि रोशनी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और नंबर 3, जो एड्रेस मैं आपको दूंगी उस पे जाके जो मैं बोलूंगी वही करेंगे। बोलिए, चुकाएंगे कीमत? ये क्या रैंडम चीज है? टोटल रबिश। हला नोज बेस्ट, ये खान बाबा ने एकदम वाहियत कहीं छानी है। मुझे लगता था कि अमन की आयाना से शादी होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। अमन और परवीन रोशनी की मासूमियत को पहचान ही नहीं पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस लड़की से वो इतनी नफरत करते हैं वही लड़की अमन को जिन के साए से बचा सकती है। अल्लाह नोज बेस्ट, आपने तो स्टाइल मारते हुए कहा था जो मांगना है मांग लो। मैंने स्टाइल मारते हुए कब कुछ कहा? आपने बोला था आपके कान बाहर रखे हैं। जी सॉरी। जब कान भी इसी रूम में है, हाथ भी इसी रूम में, तो पकड़ लीजिए ना अपने कान, बाहर क्यों जा रहे हैं? पकड़ लीजिए ना अपने कान और बोल दीजिए सॉरी। चलिए चलिए, अपने कान पकड़िए। कम ऑन मिस्टर अमन जुनैद, कान पकड़ लीजिए अपने कान। भाभी 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 भाभी, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, वो बस गिर गई थी तो लग गई थोड़ा। भाभी लेकिन आपको बहुत चोट आई है। चोट तो शादी वाले दिन लग गई थी, अभी तो बस खरोच आई है। पर तुम लोग टेंशन मत लो, स्पेशलिस्ट से इलाज चल रहा है, बस कान पकड़ते ही ठीक हो जाएगा। कान पकड़ते ही मतलब? मतलब हाँ, वो स्पेशलिस्ट है ना, तो इतना इजीली हाथ में नहीं आते। सो कान पकड़ के लाना पड़ता है। तो भाई एक काम करो ना, भाभी जिसके कान पकड़ने के लिए कह रही है तो जाके उसके कान पकड़ लीजिए ना। हाँ पकड़ लीजिए ना प्लीज। हाँ मैं बात करता हूँ। छोटू कहाँ है? छोटू क्यों नहीं नजर आ रहा? भाभी वो छोटू बीमार है, सो रहा है अभी। क्या हुआ छोटू को? वो ठीक तो है? ओ भाभी, मैं जानता हूँ छोटू को क्या हुआ है। कल जो भी हुआ उससे कोई भी बच्चा ट्रॉमेटाइज हो सकता है। प्यार एकदम
पड़ोस की बिल्ली की तरह होता है, बिना बताए, बिना फोन किए, बिना मैसेज किए, चुपचाप दबे पाव किसी विंडो से अंदर आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। रोशनी के साथ भी यही हो रहा है। उसे पता भी नहीं कि प्यार का चैप्टर शुरू हो चुका है। वो जैसे जैसे क्यूट आंखों वाले अमन को जानती जा रही है, उसकी मोहब्बत में गिरती जा रही है। अम्मी आप फिक्र ना करें, जैसे बेबी सब भूल जाती है ना, वैसे ही वक्त सब याद रखता है। और वक्त को अच्छी तरह याद है कि जब अमन और आयाना की मोहब्बत होगी ना, तो इस पेड़ पर फूल खिलेंगे और वो वक्त जल्द आएगा, आप देख लीजिएगा। खुदा करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही है। मैं क्या कह रही हूँ अम्मी? तू सोचती रह कि तू क्या कह रही है। अम्मी बाबा देखती हूँ। खान बाबा भी ना बहुत ही ज्यादा वाहियात प्राणी है। खान बाबा कहाँ चले गए? अल्लाह नोज बेस्ट। कान भी नहीं पकड़ा, सॉरी भी नहीं बोला, वो सब तो ठीक है, ये भी नहीं बोला कि रोशनी तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। चलो दुनिया नहीं भी सही, यूपी की बोल देते, इस मोहल्ले की बोल देते, कहीं की तो बोलते। मेरे पूरे प्लान को टाई टाई फिस कर दिया। ऐसे क्यों खड़े हो जैसे किसी बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया उसके बाद जैसे डांट पड़ती है? छोड़ो। फैमिली में फादर नहीं होते, उस फैमिली के बड़े बेटे को गलती करने का कोई हक नहीं है। आप सब लोग मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाया। किसी ने चाहे कुछ भी कहा हो, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। सारा ने, सायमा ने, छोटू ने, इन तीनों ने मिलके बहुत प्लानिंग की थी। बाहर पूरा घर डेकोरेट किया था, डांस किया था, लोगों को इनवाइट किया था, एंड आई स्पॉइल्ड इट ऑल। आई एम सॉरी गाइस। I'm sorry, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। मैंने इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं करूँ। मतलब? भाई मतलब कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो हम सब है कि आपको उसे अकेले मारना पड़ा। इनफैक्ट हम सबको मिलके उसको मारना चाहिए था। 4,000 की सैंडल टूट जाए तो कोई गम नहीं,
अगर ऐसे चीपस्टर्स को इतना मारना चाहिए कि पूरा लखनऊ देखे। हाँ, पर इतने छोटे से वर्ड का इतना बड़ा मीनिंग। हाँ भाई, साइमा बिल्कुल ठीक बोल रही है। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो उस आदमी का अभी तक मैं 2 बार मर्डर कर चुकी होती। चाचू आप डरो मत। सॉरी मिस्टर छोटू, आगे से ऐसा नहीं हो। नहीं चाचू, मुझे भी आपके साथ देना चाहिए था चौली। अल्लाह इज बेस्ट। ये मैजिक जानने वाले मिस्टर वाहिया प्राणी जब भी अपनी बहनों और फैमिली की आंखों में आंसू देखते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट जेंटलमैन बन जाते हैं। रोशनी के दिल में अमन के लिए हमदर्दी की पहली बात चल गई। उसे समझा लेंगे। और तुम लोग भी उदास मत हो, हम लोग जल्दी ही पार्टी करेंगे और इस बार पार्टी मेरी तरफ से। छोटू को लेकर कमरे में जाओ। छोटू। रोशनी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको रूम में होना चाहिए था। सॉरी वो। आपको ये कांच लगा है? Thank you.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।